कसराव क्षेत्र के नर्मदा इलाकों में रेत उत्खनन पर एनजीटी के रोक के बावजूद भी जमकर रेत उत्खनन और परिवहन प्रशासन की नाक के तले हो रहा है, जिसे लेकर खनिज विभाग भी सुस्त रवैया अपना रहा है। बोहिंदा कटोरा चिचली क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन जोरों पर चल रहा है। रेत उत्खनन परिवहन प्रशासन की नाक के तले हो रहा है, लेकिन कोई जिम्मेदार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। और ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष भुवानी राम कर्मा ने बताया कि ग्राम के रास्ते खाई नुमा बनने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। सरथाटी के ग्रामीणों ने रोष जताया है कि नियम को ताक पर रखकर अवैध कारोबार चल रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि क्या कानून और नियम कायदे सिर्फ आम जनता के लिए ही, इन अवैध कारोबारी के लिए कोई नियम नहीं। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। अवैध उत्खनन किया जा रहा है और सरकारी जमीनों पे स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, हमारे क्षेत्र में दो जगह पर अभी स्टॉक की परमिशन है और इसके अलावा पूरे उसमें अभी अक्टूबर तक उत्खनन पर प्रतिबंध है। तो इसके तहत हमारे राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जब भी सूचना मिलती है उसमें उत्खनन अवैध उत्खनन है उसको रोकने की कार्यवाही की जाती है। इसमें आपके द्वारा अगर अवगत कराया गया है तो हमारे द्वारा आज तहसीलदार साहब पुनः गए हैं वहाँ चेक करने, साथ ही खनिज विभाग को भी अवगत कराया गया है। इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी फिर से समय समय पर अन्य कार्यों के साथ हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।